ये जो टाइगर की संख्या का आंकड़ा हमने छुआ है, जो देखा है, हमारा ये परिवार का विस्तार हो रहा है, ये गौरवमय पल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का, और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में यह सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते बल्कि दोनों के बीच को एग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। हमारे यहां टाइगर से जुड़ा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। मध्य प्रदेश में पाई गई 10,000 साल पुरानी रॉक आर्ट्स में टाइगर के चित्र पाए गए हैं। सेंट्रल इंडिया में रहने वाले भारिया और महाराष्ट्र में रहने वाले वर्ली जैसे देश के अनेक समुदाय टाइगर को पूजते हैं, वर्शिपर। हमारे यहां अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है, भाई माना जाता है, और टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही। फ्रेंड्स, इंडिया इज अ कंट्री वेयर प्रोटेक्टिंग नेचर इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। दिस इज व्हाई इट हैज मेनी यूनिक अचीवमेंट्स इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। विथ ओनली 2.4% of the world's land area, India contributes about 8% of the known global diversity. India is the largest tiger range country in the world.
विद नियरली 30,000 एलिफेंट्स वी आर द लार्जेस्ट एशियाटिक एलिफेंट रेंज कंट्री इन द वर्ल्ड. Our rhino population of nearly 3,000 makes us the largest single-horned rhino country in the world. We are the only country in the world to have Asiatic lions. The lion population has increased from around 525 in 2015. To around 675 in 2020. Our leopard population went up by over 60% in just 4 years. The work being done to clean up rivers, such as the Ganga, has helped biodiversity. Some aquatic species that were considered to be in danger have shown improvement. These achievements are all due to people's participation and culture of conservation. Sabka prayas. For wildlife to thrive, it is important for ecosystem to thrive. This has been happening in India. While celebrating 75th year of independence, India added 11 wetlands to its list of Ramsar sites. This took the total number of Ramsar sites to 75. Forest and tree cover are also increasing. India added over 2,200 square kilometers of forest and tree cover by 2021 when compared to 2019. In the last decade, the number of community reserves increased from 43 to over 100. In a decade, the number of national parks and sanctuaries around which eco-sensitive zones were notified increased from 9 to 468. Big cats ki wajah se tiger resorts mein paryatakon ki sankhya badhi aur isse स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है. बिग कैट्स की मौजूदगी ने हर जगह स्थानीय लोगों के जीवन और वहां के इकोलॉजी पर सकारात्मक असर डाला है. साथियों, कुछ महीने पहले भारत की बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने के लिए हमने एक और अहम काम किया है. दशकों पहले भारत से चीता विलुप्त हो गया था. हमें शानदार बिग कैट को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लेकर आए हैं. ये एक बिग कैट का पहला सफल ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है. कुछ दिन पहले ही कुनो नेशनल पार्क में चार सुंदर शावकों ने जन्म लिया है. भारत की धरती से चीता करीब करीब 75 साल पहले विलुप्त हो गया था. यानी करीब करीब 75 साल बाद भारत की धरती पर किसी चीता ने जन्म लिया है. ये एक बहुत ही शुभ शुरुआत है. ये इस बात का भी प्रमाण है कि बायोडायवर्सिटी की रक्षा और उसकी समृद्धि के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण है. साथियों, वाइल्ड लाइफ का संरक्षण किसी एक देश का नहीं
बल्कि एक यूनिवर्सल इश्यू है। इसके लिए इंटरनेशनल अलायंस समय की जरूरत है। साल 2019 में ग्लोबल टाइगर डे पर मैंने एशिया में पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के विरुद्ध अलायंस का आह्वान किया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी भावना का विस्तार है। इससे बिग कैट से जुड़े पूरे इकोसिस्टम के लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल संसाधन जुटाना आसान होगा। इससे भारत सहित तमाम देशों के अनुभवों से निकले कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन एजेंडा को लागू करने में आसानी होगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस उसका फोकस दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स के संरक्षण पर होगा, यानी जिन देशों में टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगवार और चीता है, ऐसे देश इस अलायंस का हिस्सा होंगे। इस अलायंस के तहत सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। साथियों, मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारी बायोडायवर्सिटी का विस्तार होता रहेगा। ये दायित्व हम सभी का है, पूरे विश्व का है। इसी भावना को हम अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान निरंतर प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। G20 का मोटो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यही संदेश देता है। COP26 में भी हमने अपने लिए बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम पर्यावरण संरक्षण के हर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप सभी को यहां एक और लाभ जरूर उठाना चाहिए। ये जो सह्याद्री का क्षेत्र है, वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है, यहां अनेक ट्राइब्स रहती हैं। वे सदियों से टाइगर सहित हर बायोडायवर्सिटी को समृद्ध करने में जुटी है। उनका जीवन, उनका कल्चर पूरी दुनिया के लिए बहुत उत्तम उदाहरण है। प्रकृति से जितना लिया उतना ही प्रकृति को लौटाया, ये बैलेंस कैसे काम करता है वो हमें यहां सीखने को मिलता है, इस आदिवासी परंपरा में देखने को मिलता है। वो भी नेचर और क्रिएचर के बीच के अद्भुत संबंधों की हमारी विरासत को दर्शाती है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के विजन को समझने में भी आदिवासी समाज की जीवन शैली से बहुत मदद मिलती है। मेरा आग्रह है कि आप हमारे आदिवासी समाज के जीवन और परंपरा से कुछ ना कुछ जरूर अपने देश, अपने समाज के लिए लेकर के जाएं।